दोस्तों देखो, लंच का टाइम हो गया और बत्तखें बहुत बेसब्री से अपने खाने का वेट कर रही हैं। वैसे तो आज सुबह मैं इनको काफ़ी सारा खाना दे के गया था। ये देखो, अभी खाना इन्होंने खाया ही नहीं है, अभी सुबह वाला ही अभी बचा हुआ है। पर ये रोटी जो है ना, इनको कम पसंद होती है, तो इसलिए जब मजबूरी होती है, भूख ज़्यादा लगती है, तब ये बीच बीच में खा लेती है, नहीं तो रखी रहती है। तो इसलिए इनको, क्योंकि इनको ना फल सब्जियों की आदत हमने लगा दी है, तो इनको वही ज़्यादा पसंद है। साथ ही दोस्तों, रोटी इनको भीगी हुई चाहिए होती है। तो देखो, अभी जैसे इसमें पानी कम है, तो शायद हो सकता है इस वजह से भी इन्होंने बीच में छोड़ दिया होगा। तो वैसे रोटी ज़्यादा ही थी सुबह मैंने जो जितनी मैं डाल के गया था। नॉर्मली 1-1.5 रोटी डालता हूँ, पर आज मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही रोटियाँ भिगो दी थी। अब देखो, वो नीचे वाली जो है ना, वो सख्त होकर बैठ गई है। वैसे तो इनकी चोंच इतनी स्ट्रांग होती है कि ये आराम से इसको निकाल के खा सकती हैं, पर वही है, अब आटा है और गेहूँ है, तो उससे पेट भी ज़्यादा भरा रहता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खा रही होंगी। सोच रही होंगी कि दोपहर में अगर खाना नहीं आया तो इसी से काम चला लेंगे। वैसे तो मैं अभी इनके लिए बहुत ही टेस्टी चीज़ लेके आया हूँ, और इसको देखने के बाद ये बिल्कुल भी बिना खाए रह नहीं पाएंगे, एकदम टूट के पड़ेंगे इसके ऊपर। देखो दोस्तों, मैं मशरूम लेके आया हूँ इसके लिए। अभी हम देखेंगे कैसे मशरूमों को खाती हैं ये। पहले मैं इनकी जगह की पूरी सफाई कर देता हूँ, ताकि खाते हुए इनको थोड़ा अच्छा फील हो। तो दोस्तों, मैंने घर इनका साफ कर दिया है, और रोटी अभी मैंने यहीं छोड़ दिया, क्योंकि ये खा लेंगे यहाँ से चुप के। और देखो, ये छुप रही है मेरे से, अभी बाहर घूम रही थी। तो अभी मैंने खुले में मशरूम को रख दिया है, तो ये अपनी मर्ज़ी से अभी आके वो वाला पहले वाला फिनिश करके फिर आके ले जाएंगी। एक को पहले ले जा रही है, फिर दोनों मिलके छीना छपटी करके उसको खा रही है, फिर दूसरा ले जा रही है। ये देखो, अभी ये ले जाएगी, अब दूसरी भी इसी से छीनने की कोशिश करेगी। देखो, क्योंकि मैं बैठा हूँ ना, तो ये यहाँ पे खुल के खाएंगी नहीं। वैसे भी अभी इतने टाइम से ये वहाँ उसके नीचे रह रही है, टंकी के नीचे, तो इनको वही अपना घोंसला लगता है, वहीं पे इनको अपने आप को सेफ फील करती है। ये पसंद तो आ रहे हैं दोस्तों मशरूम इनको, क्योंकि मैंने काटे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इनको थोड़ा सा खुद से भी तोड़ना है, इसलिए मैंने इनको साबुत ही दिए। और मशरूम वैसे भी सॉफ्ट होते हैं, इतना तो ये चोंच से उसको तोड़ काट सकते ही हैं। काफ़ी पसंद आ रहा है मशरूम इनको। मशरूम का कलर ये ब्राउन वाली बत्तख जैसा ही लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, मशरूम को अब मैंने इनके घोंसले में ही रख दिया, ताकि ये आराम से जब मर्जी खा सके। आज वैसे भी इनके पास काफ़ी खाना है, तो इनका यही खाना रात तक चल जाएगा। तो अब हम कल मॉर्निंग में मिलने आएंगे, क्योंकि मशरूम तो इनको बहुत स्वाद लग रहा है, तो ये अभी इसको चेट कर जाएंगी। फिर रात में इनके लिए रोटी है ही खाने के लिए, और अगर मशरूम भी बचेगा तो वो भी रात में खा लेंगी। तो दोस्तों, आज अपनी बत्तखों के लिए रात तक खूब खाना है खाने के लिए। मशरूम वो आराम से खाएंगी, रोटियां भी आराम से खा लेंगी, तो आज अपने को टेंशन नहीं है, रात में आने की जरूरत नहीं है। अब हम कल मॉर्निंग में इनको नाश्ता देने आएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो भाई, बत्तखों को खाना तो आज सुबह मैं जल्दी दे गया था, और अभी देखो बचा भी है, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा था कल, फ्रूट वगैरह कट के और काफ़ी सारे बच गए थे, तो इसलिए मैं सुबह ही दे गया, ताकि ख़राब ना हो, टाइम से ये खा ले। तो उस टाइम मैं मोबाइल लेके नहीं आया था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। और अब देखो, ये पूरा रच के बैठी हुई हैं, और फिर जब इनको दोबारा बीच बीच में भूख लगेगी तो ये खाती रहेंगी। उस टाइम क्या हुआ था, ये देखो सामने ईगल है ना, ये यहीं पर रहती है, तो सुबह सुबह ये खेल रहे थे, या पता नहीं लड़ रहे थे। यहाँ पर दो ईगल बार बार इधर आ रही थी, और कौवे इनको लड़के और दूर भगा रहे थे, कभी यहाँ बैठते कभी यहाँ बैठते। काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर मेरे पास मोबाइल नहीं था। दोस्तों, इनको पकड़ना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत इधर उधर भागती हैं ये। ये तो कुछ ज्यादा ही। देखो, अभी थोड़ी देर डरी रहेगी, फिर शायद कीड़े खाए इसमें से, इसको दिखाना पड़ेगा। चलो, ऐसे रख देता हूँ, शायद ऐसे आके खा ले। जाओ, अब तो खा लो, निकल जाएंगे वो सारे, भाग जाएंगे निकल के। गंद बहुत, मुझे देखो बीच में पोटी कर दी। खाने को इनको, देखो खाने की कोई तमीज नहीं है इनको। तो हो सकता है यार, देखो 15 अगस्त को मैं आज़ादी के दिन शायद इनको आज़ाद भी कर दूं, क्योंकि ये मेरे से डरती बहुत है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये नॉर्मल है इनका डरना, या यही वाली ज़्यादा डर रही हैं।
चलो यार ये तो देखो खा नहीं रही खाना ऐसे, तो मैं इसको धो के इधर ही उड़ेल देता हूँ, कीड़ा ये ढूंढ के खा लेंगी। दोस्तों ये मूरख बत्तखें तो मेरे से डरती ही रहेगी, तो मुझे ये धोना था क्योंकि मुझे उसके अंदर टोटोइस को भी डालना था। टोटोइस देखो कैसे बाहर अकेला घूम रहा है, तो उसके घर को रेडी करना था साफ करके, तो इसलिए मेरे को फिर साफ करना पड़ा। और जो यहाँ कीड़े थे ना वो सारे पानी के साथ बह गए, इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो बहुत ही नादान है ये बत्तखें, पता नहीं क्यों डरती है मेरे से। इनको खाना भी देता हूँ, उनके लिए इतने अच्छे कीड़े भी लेके आया था। इनको पकड़ने जाओ तो एकदम से ऐसे हो जाती जैसे मैं इनको हलाल करने वाला हूँ। तो खैर नादान है इनको जीव जंतु को क्या पता कि यार कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा अच्छा ही है ना, सबसे डरेंगी तो सेफ भी रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो मेरा टर्टल है, वो एक सेफ कॉर्नर ढूंढ रहा है, ताकि अब उसको लग रहा है कि यार ये कहाँ खुले में ला के छोड़ दिया मेरे को, मेरा घर कहाँ गया, तो ये अपना घर ढूंढ रहा है। के घर में कीड़ों ने कब्जा कर लिया था, अब मैंने सारे साफ कर दिए, अब तुम अपने घर में चल सकते हो टोटोइस। ये गेट खोलने को कह रहा गेट खोलो मुझे अंदर जाना, क्योंकि इसके नीचे से ना इसको उस तरफ अंधेरा दिख रहा होगा, तो इसको लग रहा होगा वहाँ छुपने की अच्छी जगह है, क्योंकि ये इतना ज़मीन के पास देख पा रहे हैं ना, तो इनको ज़मीन के पास का अंधेरा नज़र आ जाता है। अगर ये उस साइड होता तो उसके नीचे चला जाता। चलो कोई नहीं, इसको मैं रख देता हूँ। इसके ऊपर भी थोड़ा ना ये बाल बाल सा है, तो इसको थोड़ा धो देता हूँ, ताकि कोई कीड़ा वीड़ा अगर बैक्टीरिया हो तो वो साफ़ हो जाए, और उसके बाद फिर इसको इसके घर में डाल देता हूँ। फिर काई काई जम गई है इसके पानी में, क्योंकि ये ना पोटी करने पानी के अंदर जाता है, पानी के अंदर आने जाना तो थोड़े थोड़े दिन में पानी थोड़ा सा काई वाला हो जाता है, तो इसकी स्किन पे भी आ जाती है। पर क्योंकि ये नेचुरल एरिया में भी ऐसे ही रहते हैं ना अपने, तो इसलिए मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता, ताकि इसको थोड़ा अपनी फीलिंग आती रहे नॉर्मल घर की। तो ये अब आप देखो, ये जब हम आए थे ना ये पूरा फ्लैट था जब ये मेरे को मिला था, पर अभी जैसे घर पे ये ठीक ठाक खा पी रहा है, तो अब देखो इसका जो ये उभार है ना स्टार्स, ये उभरने लगे हैं, तो ये गुंबद जैसे जैसे ये बड़ा हुआ गुंबद और उभरने लगेंगे इसके। पहले तो ये मुंडी बाहर ही नहीं निकालता था, अब थोड़ा ये मेरे से नहीं डरता, तो ये अपने जो है ना फेस बाहर निकाल लेता है, नहीं तो पहले तो ये डरता था तो मेरे छूते ही एकदम अंदर ही रहता था। अभी थोड़ी देर में देखो अभी बाहर निकाल लेगा, क्योंकि अभी मेरे को पहचानता है। ये फिर भी बहुत फ्रेंडली होते हैं और ये पहचान जाते हैं टाइम के साथ साथ अपने मालिक को, पर ये एकदम बेशरम है। इनको मैंने बचपन से, मतलब इससे भी छोटे से इनको मैंने पाला एकदम चूजे से, पर ये आज भी मेरे से डरती है। ये बहुत बेशरम होती है, बत्तखें तो बहुत बेशरम होती है बिल्कुल। इनको मतलब आप पालोगे ना तो आपको लगेगा जैसे किसी अनजान आदमी को आप पाल रहे हो, पर ये देखो ये बहुत फ्रेंडली होते। देखो मेरे पास है ना ये, अब इसको अच्छा लग रहा है, तो ये देखो फेस बाहर निकाल के भी मेरे को ये प्यार करने को कह रहे हैं। इसको ऐसे ऐसे करो ना तो इसको लगता है कि मैं इसको दुलार रहा हूँ, बहुत प्यार है ये। चलो इसको इसके घर में रख देते हैं। ये ना देखो ऐसे तो लगेगा कि ये क्या ही कर पाएगा छोटा सा, पर ये अपने ही ताकत से इसको उठा के और इसके नीचे भी घुस जाता है। जब इसका मन करता है अपने स्विमिंग पूल में जाके पोटी भी कर लेता है, ये भी खा लेता है, तो इसके अंदर इसको काफ़ी अच्छा लगता है। होप कि आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा। ये जो मेरा एक और मेहमान है जिससे आप अभी तक नहीं मिले थे, इससे मिलके आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में फिर इसको भी आपसे मैं मिलवाता रहा करूँगा।